जो कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आप सभी लोगों के लिए एक आज मैं न्यू चैप्टर लेकर आया हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है और ये क्लास 10th से स्टार्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एपी से रिलेटेड, उस सारे फॉर्मूलाओं के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी फॉर्मूला मिस ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि एपी का फॉर्म क्या होता है, यानी एपी कैसे आप जानते हैं उसको रूप को पहले आप लोगों को समझना होगा। तो देखिए, फॉर्म ऑफ एपी यानी एपी का रूप है, पहले आप समझ लीजिए कि जब भी कोई एपी नजर कब आएगा, उसको एपी कब कहा जाएगा, जब वह इस रूप में आपको नजर आना चाहिए। a प्लस डी, a+2d, a+3d, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे ये बढ़ेगा। जहां पर आपको ये बात याद रखना है कि a को क्या बोलते हैं, तो a को बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि जिसको आप फर्स्ट टर्म बोलते हैं। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी जिसको आप हिंदी में सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कैसे जानेंगे इस फॉर्म में है। तो देखिए, एपी का आप परिभाषा ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी पद और उसके ठीक पहले वाला पद का अंतर अगर समान आए तो अब हम उस अनुक्रम को एपी में कहेंगे। जैसे देखिए, इसमें से अगर इसको घटाइएगा ना तो ए से कट जाएगा तो डी बचेगा। फिर सोचिए, इसमें से इसको घटाइएगा तो ए से कट जाएगा और दो डी में से एक डी घटाइएगा तो एक डी बचेगा। इसमें से इसको भी घटाइएगा तो देखिए ए से कट जाएगा, तीन को डी में से दो को घटाएंगे तो एक डी बचेगा। यानी सबका अंतर जो है वह समान आ रहा है और इसी समान अंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर के नाम से जानते हैं और जिसको शॉर्ट में डी लिखते हैं, ठीक है। और शुरू में जो पद रहता है उसको ए बोलते हैं, यानी कि प्रथम पद। उसके बाद आपको यह समझना होगा कि कोई भी टर्म एपी में कब माना जाता है, कोई भी। देखिए, तो इसके लिए आप कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को पहले समझने का आप लोग प्रयास करें। जैसे देखिए, आपको याद होना चाहिए कोई भी, मान लीजिए कभी चेक करने के लिए कह दिया जाए यह एपी में है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। अगर वो दोनों बराबर आता है और वो बराबर मान को ही हम लोग डी के नाम से जानते हैं, जिसको आप सार्व अंतर बोलते हैं। अगर दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा ऐसे घटा कर देखेंगे और सबका मान अगर बराबर आए तब हम कहेंगे कि वह एपी में है, ठीक है। और अगर सबका अंतर बराबर नहीं आए तो वह एपी में नहीं है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर एक, 5, 10, 15, 20, ये एपी में है या नहीं है, इसको गौर से देखिए। तो देखिए, इसको आप इसमें से इसको घटाइए, बाद वाला में से पहले वाला था, 10 में से 5 घटाएंगे तब 5 आएगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो भी 5 आएगा, 20 में से 15 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। तो अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब यह एपी का उदाहरण है। दूसरा देख लीजिए, 4, 9, 14, 19, तो 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 बचेगा, 14 में से 9 घटाइए तो यह 5 बचेगा, और 19 में से 14 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। तो यह भी आपके एपी का उदाहरण है। तो एपी तो आप लोग पकड़ पाएंगे कि एपी में है या नहीं है। उसके बाद इसमें आप लोगों को समझना होता है कि एपी का एनमा पद क्या होता है। यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसको आप हिंदी में एपी का एनमा पद बोलते हैं, या इसको दो गो और नाम से जानते हैं, लास्ट टर्म कहिए या जनरल टर्म भी इसको बोलते हैं, अंतिम पद या व्यापक पद। याद रखिएगा, व्यापक पद को एनसीईआरटी में खास करके एएन से डिनोट करते हैं, अदर बुक में आप टीएन से भी देख सकते हैं। तो खास करके आप यही याद रखिएगा, एएन से हम अंतिम पद को व्यक्त करते हैं या सूचित करते हैं, जिसको आप एंथ टर्म बोल सकते हैं या लास्ट टर्म भी कह सकते हैं या जनरल टर्म भी इसको बोला जाता है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला को आप बड़ी अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि यही से सवाल आपका बनना शुरू होता है। एन मतलब अंतिम पद या एंथ टर्म जिसको बोलते हैं, या व्यापक पद, एन से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। जहां पर आप समझ पाए होंगे पहले से ही, एक इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म प्रथम पद, और इसमें डी क्या है तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर, और इसमें एन क्या है, ये वाला जो एन है, ये एन क्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, कितने पद, 10वां पद, 20वां पद, ऐसे आपसे पूछा जाएगा, तो वो एन का मान रख दीजिएगा, ठीक है। इसमें रखिएगा, आपसे आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये एनवा पद आप फॉर्मूला समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे, तो देखिएगा, अब आप लोग यहां से समझना क्या है कि सम ऑफ, दूसरा फॉर्मूला यह है, तीसरा कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के एन पदों का योगफल क्या होता है। तो एपी के एन पदों का योगफल कहने का मतलब आप याद रखेंगे, एसएन ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। एपी के जब भी आपको एन पदों का योगफल पूछे तो आप क्या निकालिएगा, एसएन निकालिएगा। और एसएन का दो गो फॉर्मूला होता है, पहला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर से एसएन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या आप यह भी लगा सकते हैं एसएन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन।
एन, ठीक है, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये कब, जब आपको ए और डी एन का मान पता हो तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, और आपको ए एन और टी एन का मान, अगर टी एन कहने का मतलब इसको एल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं। तो जहाँ पर आप ये बात जानते हैं ए बराबर फर्स्ट टर्म प्रथम पद, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस सार्वान्तर, और एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, जिसमें आपको याद रखना है टी एन या एल कहिए चाहे एन कहिए, ये एंथ टर्म होता है यानी एनवा पद, जिसको आप अंतिम पद के नाम से जानते हैं। तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि खास करके आपको इसी से एसएन योगफल निकालने का ये फॉर्मूला, ठीक है। अगला फॉर्मूला पर बात करते हैं, चार नंबर, देखिएगा ध्यान से, चौथा नंबर फॉर्मूला पर आप देखेंगे। चौथा नंबर फॉर्मूला है एरिथमेटिक मीन क्या होता है, समांतर माध, यहाँ से आपको समांतर माध से आपको एक क्वेश्चन हो सकता है तो पूछा जाता है। तो समांतर माध को आप ए से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से, या ए एम से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ए एम से, एरिथमेटिक मीन। और इसका फॉर्मूला होता है, दो गो संख्या आपको दिए हुए रहेगा और दोनों के बीच कहेगा समांतर माध बताइए, तो दोनों को आप जोड़ दीजिएगा और दो से भाग दे दीजिएगा, तो वही उसका समांतर माध यानी एरिथमेटिक मीन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में समझ लीजिए कि एरिथमेटिक मीन ऑफ 8 एंड 10, यानी 8 और 10 का समांतर माध आपसे पूछता है, तो आप क्या करेंगे, ए का मान बी का मान यहां रख के दूसरे भाग दे देंगे, वही आपका एरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अगर आप लोगों को इसका आंसर समझ में आ गया होगा तो आंसर अभी जस्ट आप जल्दी में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं अगला फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला नंबर 5, कि थ्री नंबर्स आर इन एपी, मतलब एपी में अगर आपसे कह दिया जाए कि तीन गो संख्या आप ज्ञात कीजिए, क्या गो संख्या ज्ञात कीजिए, तीन गो संख्या ज्ञात कीजिए, चार गो संख्या ज्ञात कीजिए, पांच गो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे आप लोगों से सवाल पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे, अगर तीन गो संख्या निकालने के लिए कहे तो मानिएगा इस तरह से, पहला अल्फा माइनस बीटा, दूसरा मानिएगा, देखिएगा पहला अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा और तीसरा अल्फा प्लस बीटा, ये तीन गो संख्या मान अगर कहे एपी में निकालने के लिए तो आप ये तीनों संख्या को मान लीजिएगा। यहां पर ए भी करके भी आप मान सकते हैं, बी ए ए प्लस बी ऐसे करके मान सकते हैं, अल्फा बीटा करके भी मान सकते हैं। अगर यही चार गो संख्या अगर आपसे पूछा जाए निकालने के लिए तो आप पहला ऐसे मानेंगे अल्फा माइनस थ्री बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस थ्री बीटा, यही चार गो नंबर आप मानिएगा, इसी से आपको आसानी से जो नंबर्स निकालने के लिए कहा जाएगा वह निकल जाएगा। जब चार गो की बात करें तो ये लगाइएगा, तीन गो की बात करें तो ये। अब हम आपको बताते हैं पांच गो कहेगा तो क्या करेंगे, देखिएगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पर ये देखिए, पांच को अगर आप लोगों से कहा जाए कि पांच को रहे, तब देखिए पांच को नंबर्स अगर एपी में कह दिया जाए कि आप निकालिए, तो आप पहला क्या मानेंगे, अल्फा माइनस टू बीटा, दूसरा अल्फा माइनस बीटा, तीसरा अल्फा और चौथा अल्फा प्लस बीटा और पांचवा अल्फा प्लस टू बीटा। और यही से आपसे ऐसे सवाल पूछा जाता है कि योगफल दे दिया जाए तो सबको आप जोड़, पहले पांच को संख्या मान लीजिएगा और सबको जोड़कर कुछ ऐसे प्रश्न में आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पांच को संख्या रहेगा तो ये वाला मानिएगा। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया, खास करके आपको इसमें ज्यादा फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ता है, बस इतना ही फॉर्मूला से आपको एपी का सारा सवाल बन जाएगा। तो इस तरह से हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं, इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके बता देंगे कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया कि नहीं, उससे पता भी चल जाएगा। तो देखिए 4, 10, 16, 22 डॉट 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 आर इन एपी, क्या ये एपी में है आपसे पूछ रहा है, 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट एपी में है या नहीं है, बस यस और नो करके आपको कमेंट करके हमें बता देना है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।